हेलो दोस्तों, सीबीएसई ट्वेल्थ की एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि आगे एक मीटिंग ऑनलाइन हुई थी और उस समय तय किया गया था कि 1 जून को इस पर निर्णय लिया जाएगा और वह निर्णय आ चुका है। माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लेते हुए कहा है कि हम बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वस्थ रहने की कामना करते, साथ साथ बच्चे जो है वो कोरोना की चपेट में न आए, इसीलिए इस बार ये एग्ज़ाम जो हो कैंसिल हो चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल अभी अस्पताल में है। इसके ऊपर बोर्ड की एग्ज़ाम के ऊपर वो निर्णय लेने वाले थे, किंतु इसकी गंभीरता को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में निर्णय ले लिया है और बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दी गई है। अब इसका रिजल्ट किस प्रकार से दिया जाएगा उसके बारे में एक फॉर्मूला भी तैयार हो रही है। आने वाले समय में आगे के परफॉर्मेंस को देखते हुए छात्रों के इसके बारे में रिजल्ट जो है वो तैयार किए जाएंगे। साथ साथ सीबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ाम है ट्वेल्थ की वो कैंसिल हो चुकी है और आने वाले समय में स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम का क्या होगा। बात अगर गुजरात बोर्ड की करें तो गुजरात बोर्ड ने पूरा एग्ज़ाम का शेड्यूल रख दिया गया है, तारीख तय की गई है और उसकी दिनांक जो है फिक्स कर दी गई है। अब देखते हैं कि राज्य बोर्ड क्या कर रहा है। राज्य बोर्ड की एग्ज़ाम जो है उसका शेड्यूल फिक्स हो चुका है, उसकी दिनांक तय हो चुकी है, टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया गया है। किंतु कल केंद्रीय कैबिनेट में ये निर्णय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है कि हम जो है बच्चों की सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसके तर्ज पर ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो चुकी है। इसका परिणाम किस प्रकार से दिया जाएगा उसकी फॉर्मूला भी तय हो चुकी होने वाली है और साथ साथ राज्य बोर्ड की एग्ज़ाम जो है शायद इस तर्ज पर अगर कार्य करें तो गुजरात बोर्ड की अगर हम बात करें तो आज उसकी कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें शायद इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि एग्ज़ाम ले या न ले। बाकी के राज्य जो है शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य जो है वो सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम कैंसिल होने की तर्ज पर राज्य बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल करने के लिए शायद तैयार हो चुके हैं। तो गुजरात बोर्ड में 12वीं के छात्रों का क्या होगा, कैंसिल होगी, मास प्रमोशन होगा या एग्ज़ाम ली जाएगी, इसके बारे में शायद आज कैबिनेट में इसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तो ऐसी ही अपडेट को सुनने के लिए या जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई भी एग्ज़ाम की अपडेट या कोई भी स्पर्धात्मक परीक्षाओं की इन्फॉर्मेशन या कोई भी फैक्ट्स आपसे छूटे नहीं। थैंक यू वेरी मच।